Hello everyone, today I will discuss about the classification of tablet. Before classification, I have already discussed about the introduction of the tablet. So now moving to the discussion of today's session. So tablet can be classified by three modes. तीन तरह से टैबलेट को क्लासिफाई कर सकते हैं. इसमें फर्स्ट आता है आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नेक्स्ट इज योर टाइप ऑफ ड्रग डिलीवरी, नेक्स्ट इज योर फॉर्म एंड मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर. दीज आर सर्टेन क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट. अब यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे टैबलेट को फोर टाइप से क्लासिफाई किया गया है. इन सारे क्लासिफिकेशन को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज योर टैबलेट इंजेस्टेड ओरली. टैबलेट इंजेस्टेड ओरली फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग. फर्स्ट इज कंप्रेस्ड टैबलेट, मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट, रिपीट एक्शन टैबलेट, डिलेड रिलीज टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट, फिल्म कोटेड टैबलेट, च्यूएबल टैबलेट. नेक्स्ट इज टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी. इट्स डिवाइड इनटू फॉलोइंग बक्कल एंड सबलिंगुअल टैबलेट, टॉर्चेस एंड लॉजेंजेस, नेक्स्ट इज योर डेंटल कोन. इज टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय द अदर रूट. इट इज डिवाइडेड इनटू टू. फर्स्ट इज योर इम्प्लांटेशन टैबलेट, नेक्स्ट इज वेजिनल टैबलेट. नेक्स्ट इज टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन. कुछ टैबलेट्स को सॉल्यूशन प्रिपेयर करके इनटेक करते हैं, विच इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग, विच इज एफर्वेसेंट टैबलेट, डिस्पेंसिंग टैबलेट, हाइपोडर्मिक टैबलेट एंड टैबलेट ट्राइचुरेट्स. नाउ वी अबाउट द टैबलेट इंजेस्टेड ओरली. इट इज फर्स्ट क्लासिफिकेशन. इसका फर्स्ट पार्ट है टैबलेट कंप्रेस टैबलेट. नाउ व्हाट इज कंप्रेस टैबलेट. कंप्रेस टैबलेट मेनली अनकोटेड टैबलेट होती, मतलब इनको कोटिंग नहीं करते हैं. ऐसी टैबलेट को में जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको कंप्रेस करके टैबलेट फॉर्म करते हैं. एंड ये अगर कोटेड नहीं होती है तो क्या होता है, इनका जो डिसइंटीग्रेशन रेट होता है वो रैपिड होता है, क्विक होता है, एंड जो ड्रग रिलीज भी दैट्स वाई क्विक होता है. ये सिस्टमिक एंड लोकल बोथ टाइप ऑफ एक्शन शो करते हैं. इसके एग्जांपल्स हैं पैरासीटामोल एंड डाइजीपाम. प्लेन पैरासीटामोल मार्केटेड प्रिपरेशन है आपकी डोलो 650, वो प्लेन पैरासीटामोल होती है जिस जो अनकोटेड होती है, दैट्स वाई इसका रेट डिसोल्यूशन एंड डिसइंटीग्रेशन रेट हाई होता है और क्विक होता है. हियर यू कैन सी इन द पिक्चर दैट इज अनकोटेड टाइप ऑफ टैबलेट. नेक्स्ट इज योर मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट. मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट मेनली फिजिकल एंड केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी को सप्रेस करने के लिए, इन प्रॉपर्टीज को सप्रेस करते हैं बाय मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट से किसी भी टैबलेट के. हेयर यू कैन सी इन द पिक्चर एक ये टैबलेट है, इसमें अपर एंड बॉटम लेयर में सिमिलैरिटी है एंड द मिडिल लेयर डिफरेंट है, सो दैट इट्स कॉल्ड एज मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट. इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू, लेयर टैबलेट एंड द कंप्रेस्ड कोटेड टैबलेट. लेयर टैबलेट में क्या होता है, ये टू लेयर्ड भी हो सकती है एंड थ्री लेयर्ड भी हो सकती है. कंप्रेस्ड टैबलेट पिक्चर में आप देख सकते हैं डबल लेयर टैबलेट होती है एंड टैबलेट विद इन अ टैबलेट. यहाँ पे ये ब्लू कलर की टैबलेट देख रहे हैं, इस टैबलेट के अपर पार्ट को कंप्रेस कोटेड टैबलेट में, इसमें अपर पार्ट को हम शेल कहते हैं और इनर पार्ट को कोर कहते हैं. दिस इज अबाउट द मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट. इज रिपीट एक्शन टैबलेट. रिपीट एक्शन टैबलेट क्या होती है, ये एक सिंगल टैबलेट टू टाइप के एक्शन को शो करती है, लाइक इमीडिएट रिलीज एंड डिलेड रिलीज. बोथ रिलीज सिमिलर वन टाइप के टैबलेट में शो होते हैं. तो इसमें क्या होता है, आउटर लेयर रैपिडली डिसइंटीग्रेट होती है, स्टमक में डिसइंटीग्रेट होती है, तो इसका एक्शन रैपिड होता है. और जो
इनसाइड लेयर और जो इनर लेयर होती है वो टैबलेट गैस्ट्रिक मीडिया में इनसॉल्युबल होती है, बट जो आपका इंटेस्टाइनल मीडिया होता है उसमें सॉल्युबल होती है। तो यहाँ पे इसका जो इनर लेयर है उसका जो डिसइंटीग्रेशन और जो उसका रिलीज टाइम है वो डिले होता है। दैट्स व्हाई रिपीट एक्शन टैबलेट शो टू टाइप ऑफ एक्शन, फर्स्ट इज योर इमीडिएट एंड सेकेंड इज डिलेड। डेक्सक्लोर टैबलेट इज अ एग्जाम्पल ऑफ रिपीट एक्शन टैबलेट। नेक्स्ट इज योर डिलीट एंड एंट्री कोटेड टैबलेट। डिलेट टैबलेट जो होती हैं इनको एंट्री कोटेड करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज ये जो टैबलेट एंट्री कोटेड टैबलेट होती हैं ये स्टेबल होती हैं हाईली पीएच पे, मतलब जो स्टमक में ये स्टेबल होती हैं, बट इनका ब्रेक डाउन लेस एसिडिक एनवायरमेंट में होता है। ठीक है, जहाँ पे सपोज ये जो स्टमक होता है जहाँ का pH 3 होता है वहाँ पे ये डिजॉल्व नहीं होती है, बट ये डिजॉल्व कहाँ होती है? जहाँ का एनवायरनमेंट एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन जिसका pH 7 to 9 होता है। तो ये कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डिजॉल्व होती है और डिले एक्शन शो करती है। दैट्स वाई जो एंट्रिक कोटेड टैबलेट होती है आर डिलेड फीचर टाइप ऑफ टैबलेट। इसका एग्जाम्पल है वोल्टारिन, शुगर कोटेड टैबलेट। हियर यू कैन सी इन द पिक्चर इट इज वेरी एलिगेंट प्रॉपर्टी टाइप ऑफ टैबलेट। ये बहुत ही ग्लॉसी है। मेनली मल्टीविटामिन टैबलेट्स जो होती है वो शुगर कोटेड टैबलेट्स के फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं, उनकी शुगर कोटिंग करते हैं। एंड इस तरह के शुगर कोटिंग करने से टैबलेट का जो वेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसमें जो पॉलीमर्स यूज करते हैं उनको शुगर सॉल्यूशन के साथ मिक्स करके यूज किया जाता है। विटाफेरो इज अ मार्केटेड टैबलेट ऑफ शुगर कोटेड टैबलेट। नेक्स्ट इज योर फिल्म कोटेड टैबलेट। यहाँ पे रेनिटिडिन 150 शो कर रहे हैं पिक्चर में, विच इज योर फिल्म कोटेड टाइप ऑफ टैबलेट विच इज अवेलेबल इन मार्केट। अब यहाँ पे शुगर कोटेड टैबलेट से कंपैरिजन किया गया है फिल्म कोटेड टैबलेट का, जिसमें फिल्म कोटेड टैबलेट की मैकेनिकल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी हाई होता है इन कंपैरिजन ऑफ शुगर कोटेड टैबलेट से। एंड इसका भी वेट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द फिल्म कोटिंग ऑफ दैट टाइप ऑफ टैबलेट। इसका एग्जाम्पल है ऑगमेंटिन। नेक्स्ट इज योर च्यूएबल टैबलेट। च्यूएबल टैबलेट क्या होती है? मेनली बनाई जाती है इन्फेंट्स के लिए और एल्डरली पर्सन्स के लिए। इसमें क्या होता है, इन टैबलेट्स को मेनली लाइक अ च्युइंगम माउथ में ही च्यू कर लेते हैं और ये आफ्टर च्यू इनसाइड द माउथ देन वी सॉलो, मतलब ये इन डिसइंटीग्रेट भी ड्यूरिंग च्यू दे आर डिसइंटीग्रेट इन द माउथ एंड देन इसको सॉलो करते हैं। दैट्स वाई किसी भी एडिशनल डिसइंटीग्रेंट एक्सीबियंट की यूज नहीं की जाती है इन द च्यूएबल टैबलेट ऑफ प्रिपरेशन। इसका एग्जाम्पल है च्यूएबल एस्पिरिन टैबलेट। दिस इज योर टैबलेट यूज इन ओरल कैविटी। इसमें आपको 4 टाइप से क्लासीफाई की गई हैं ये टाइप की टैबलेट्स। बक्कल टैबलेट्स क्या होती हैं? मेनली ये बकल पाउच में इंसर्ट करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। अब बकल पाउच क्या होता है? जहाँ पे बिटवीन गम एंड द लिप्स जो एरिया होता है उसको बकल पाउच कहते हैं। दैट्स वाई इन टैबलेट्स को हम बकल टैबलेट कहते हैं। ये क्या होती है? ये जो टैबलेट्स होती हैं यहीं से डिसइंटीग्रेट होती हैं और एब्जॉर्ब होती हैं ब्लड में। इनका कोई भी कॉन्टेक्ट GIT ट्रैक से नहीं होता है बिकॉज इन्हें सॉलो करने की नीड नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल है टैबलेट ऑफ एथिस्टेरॉन। नेक्स्ट इज योर सबलिंगुअल टैबलेट। सबलिंगुअल टैबलेट को मेनली हम अंडर द टंग प्लेस करते हैं और ये यहीं से डिसइंटीग्रेट होती हैं एंड देन एब्जॉर्ब होती हैं एंड धीरे धीरे इनका एक्शन रिलीज होता है इन द ब्लड। इनका भी कॉन्टेक्ट GIT ट्रैक से नहीं होता है बिकॉज वी आर पुटिंग इनसाइड ओनली सबलिंगुअल कैविटी। इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोग्लिसरीन उप्रिमा। नेक्स्ट इज योर डेंटल टैबलेट। डेंटल टैबलेट का यूज ड्यूरिंग डेंटल ट्रीटमेंट के टाइम करते हैं। मेनली क्या होता है, जब टूथ रिमूवल या टूथ एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस कराते हैं बाय द डेंटिस्ट, देन डेंटिस्ट क्या करता है,
हियर यू कैन सी इन द पिक्चर डेंटिस्ट एम्प्टी सॉकेट्स में इन टाइप के डेंटल कोन को या डेंटल टैबलेट्स को एम्प्टी सॉकेट्स ऑफ टीथ में पुट करता है और यहीं से इनका एक्शन रिलीज होता है और ये किसी भी टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर ग्रोथ को प्रोटेक्ट करता है. दीज आर डेंटल टैबलेट. नेक्स्ट इज योर लॉजेंजेस एंड टॉर्चेस. लॉजेंजेस एंड टॉर्सिल्स का बहुत ही फेमस एग्जाम्पल्स है स्ट्रेप्सिल्स. स्ट्रेप्सिल्स आर मेनली प्रिपेयर्ड फॉर द ड्राई कफ. ये एक लॉजेंजेस का एग्जाम्पल है. स्ट्रेप्सिल्स एंड लॉजेंजेस मेनली शोर थ्रोट को भी ट्रीट करते हैं एंड इनको भी माउथ में ये डिजॉल्व होती हैं और यहीं से ये सॉल्व होती हैं. इसका एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल है क्लोरहेक्सिडिन. योर टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट. इसमें दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, इम्प्लांटेशन टैबलेट एंड वेजिनल टैबलेट. अब इम्प्लांटेशन टैबलेट में क्या होता है, इन टाइप के टैबलेट्स को मेनली स्किन सबक्यूटेनियस स्किन के सबक्यूटेनियस लेयर के में क्या करते हैं, बाय द सर्जिकल ऑपरेट करके ड्रग को इंसर्ट कर देते हैं और यहीं से इनका एक्शन स्लोली रिलीज होता है और ऑब्जॉर्ब होता है. फिर उसके बाद इनको मेनली ग्रोथ हार्मोन के लिए यूज़ किया जाता है. और किसमें मेनली यूज़ किया जाता है, फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स में इन टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन टैबलेट्स का यूज़ करते हैं. इसका एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन टैबलेट. नेक्स्ट इज योर वेजिनल टैबलेट. वेजिनल टैबलेट का मेनली यूज वेजिनल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं और ये एंटी बैक्टीरियल इसमें एजेंट्स होता है जो आपके वेजिनल इन्फेक्शंस को क्योर करता है. इनका शेप्स मेनली ओविड एंड पेयर शेप का होता है. क्लोर ट्रिमाजोल टैबलेट मार्केटेड प्रिपरेशन है, मार्केटेड टैबलेट है जो वेजिनल टैबलेट के लिए यूज होता है. नेक्स्ट इज योर टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन. बहुत सारी ऐसी टैबलेट होती है जिनका यूज हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करके इनटेक करते हैं. इसको चार, ये फोर टाइप की होती हैं, एफर्वेसेंट टैबलेट, डिस्पेंसिंग टैबलेट, हाइपोटर्मिक टैबलेट एंड टैबलेट टर्चुरेट्स. एफर्वेसेंट टैबलेट्स में क्या होता है, जो आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं लाइक एल्कली बाइकार्बोनेट एंड सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड, इन टाइप के इंग्रेडिएंट्स के बीच में केमिकल इंट्रैक्शन होता है. व्हेनेवर वी पुट दैट टैबलेट इनटू द वाटर देन क्या होता है, एक केमिकल एक्शन होता है एंड ये केमिकल जो रिएक्शन होता है इसके ड्यूरेशन में एफरवेसेंस रिलीज होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और इस प्रोसेस को एफरवेसेंस कहते हैं एंड ऐसी टैबलेट्स को एफरवेसेंट टैबलेट कहते हैं. और इनमें क्या होता है, मेनली केमिकल इंट्रैक्शन होता है बिटवीन द केमिकल्स. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है डिस्पिरिन टैबलेट. नेक्स्ट इज योर सॉल्युबल टैबलेट और डिस्पेंसिंग टैबलेट. सॉल्युबल टैबलेट में क्या होता है, सॉल्यूशन प्रिपेयर करके, टैबलेट का सॉल्यूशन प्रिपेयर करके ये टैबलेट्स मेनली दी जाती हैं. तो इसका एग्जाम्पल है डिजीप्लेक्स टैबलेट. नेक्स्ट इज योर हाइपोडर्मिक टैबलेट. हाइपोडर्मिक टैबलेट का मेनली यूज क्यों करते हैं, इसमें क्या होता है, इन टैबलेट्स को मेनली वाटर फॉर इंजेक्शन और स्टेराइल वाटर में डिजोल्व करते हैं एंड देन ये पेरेंटल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर्ड की जाती हैं. नेक्स्ट इज योर टैबलेट ट्राइचुरेट्स. टैबलेट ट्राइचुरेट्स मेनली ऐसे टैबलेट्स होते हैं जिनका शेप सिलेंड्रिकल होता है एंड ये कंटेन करते हैं पोटेंट मेडिकामेंट एंड अ डाइलुएंट. तो दीज आर टैबलेट ट्राइचुरेट्स. तो दिस इज ऑल अबाउट द टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन. Topic is end today. Your classification of tablet. So if you have any query or the question related to the classification of tablet, you can put your question in the comment box. Thank you so much, students.